हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लेवल कर्व जो इग्नू एमए इकोनॉमिक्स पेपर थर्ड जो एमईसी 103 क्वांटिटेटिव मेथड है उसमें अक्सर ये 12 नंबर्स का पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पार्ट है जिसको कहते हैं लेवल कर्व। इसका एक और नाम है वो भी सीख लो, कंटूर लाइन। ठीक है, अब एक्चुअली ये होता क्या है इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी वीडियो एज मच एज यू कैन। ठीक है, अगर इस तरह के वीडियो एंजॉय करना है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब ये बहुत ही किताब में कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, लेकिन एक सिंपल तरीका से हम लोग इसमें सीखेंगे, तो बस आपको सीखने के लिए वीडियो को अंत इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब लेवल कर्व होता क्या है वो हम सीखेंगे। तो सपोज करो जो एक जेड है विच इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, फिर हम डिफिनेशन अपने ये बन जाएगा। ठीक है, आपको ये जेड जो है वो दो जेड जो इन्वॉल्व, जेड इसमें क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स एंड वाई क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक्स एंड वाई के वैल्यू पर जेड का वैल्यू डिपेंड करता है। और एक कांस्टेंट आप ले लो सी, ठीक है, कांस्टेंट आर सी ले लिए, ठीक है, कुछ इस तरह होगा। तो यहां पर क्या है कि हमने जेड को लिया, लिखने का तरीका यह है लेट जेड बी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, माना कि जेड दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई का, और एक कांस्टेंट सी है। ठीक है, द सेट ऑफ पेयर एक्स वाई, द सेट ऑफ पेयर एक्स वाई, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन है वो सच डाइट है कि जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी, इट इज ए कॉल्ड लेवल कर्व कंटूर लाइन ऑफ जेड फॉर अ कॉन्स्टेंट वैल्यू सी। कहने का मतलब है कि ये आप यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक बार में क्लियर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन ले लेते हैं। ठीक है तो यहां वन का ये कांस्टेंट सी के जगह, कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, तो यहां पर हम, और ये जेड है विच इज जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ये, तो लिख सकते हैं लॉरेंस कर्व ऑफ, सॉरी लेवल कर्व ऑफ जेड फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू वन इज द सेट ऑफ पीयर एक्स वाई इज सच डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर लेवल जो कर्व होता है उस बहुत हद तक आपका सर्कल से मिलता है, यानी ऑल लेवल कर्व और सर्कल, सर्कल आप वृत्त के बारे में जानते हैं कैसे होता है, एक एक चीज प्रूफ मैं करूंगा। तो वंस अगेन इसको लिखने का तरीका क्या है मैं बता देता हूं, लेट जेड बी फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड अ कांस्टेंट सी। ठीक है, अ कांस्टेंट सी, द सेट ऑफ पेयर एक्स वाई इज सच दैट जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी इज द कॉल्ड लेवल कर्व कंटूर लाइन ऑफ जेड फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू सी। ठीक है, या एग्जांपल दे देना इस तरह कि लॉरेंज कर्व ऑफ जेड
फॉर अ कॉन्स्टेंट वैल्यू वन इज द सेट ऑफ ऑल पेयर एक्स वाई सच डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। अब यहां पर बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि ऑल द लेवल कर्व आर सर्कल होता है, कैसे होता है मैं प्रूफ कर सकता हूं। अब यहां पर एक इक्वेशन हम लोगों ने बनाया, फिर मैं इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन भी लूंगा तो क्लियर बनाएगा। Z is the function of xy equal to x square plus y square, ठीक है, equal to 1। अगर हम y का वैल्यू 0 एज्यूम करते हैं तो x स्क्वायर अगर क्या होगा 1 होगा मेरे दोस्त ये, और जैसे ही इसका इधर स्क्वायर है तो RHS साइड में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट प्लस माइनस वन, यानी एक्स का दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस वन। अब यहां पर क्या है कि बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, जैसा कि ये हमारा एक हम ड्रॉ किए ये लाइन, यहां एक्स है, यहां एक्स डैश है, यहां वाई है, यहां वाई डैश है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 होता है, ठीक है 1 होता है, तो ये रेडियस हो गया, ये चारों डायरेक्शन में घुरा दो, ये c हमारा कांस्टेंट है, इधर माइनस वैल्यू होगा x का, ठीक है, इधर माइनस, जैसे मान के चलो यहां माइनस 1 हो गया, यहां माइनस 2 होगा तो यहां भी प्लस 2 होगा। उसी तरह अगर हम y x का वैल्यू अज्यूम कर ले x इक्वल टू 0 तो y का ऑब्वियसली वैल्यू हमारा क्या होगा प्लस माइनस, जैसा कि सेम प्रोसीजर से आप निकाल सकते हो, तो ऊपर यहां पर 1 होगा वैल्यू, ठीक है, यहां पर गया है तो यहां 1 होगा, तो यहां 1 होगा तो यहां प्लस 1 होगा, तो यहां पर क्या होगा यहां माइनस 1 होगा तो यहां माइनस 2 होगा y का वैल्यू, जैसे यही है। अब मान लो दूसरा हम ले चलेंगे इस तरह, ये c 1 हो गया तो ये C2, यही लॉरेंस कर्व है, ठीक है, ऑल सॉरी लॉरेंस कर्व बोल रहे हैं, लेवल कर्व है, ऑल लेवल कर्व आर अ सर्कल, आप बना सकते हैं सर्कल। अब इसको इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन से और भी ज्यादा मैं क्लियर कर दूंगा, जैसा मैं प्रोडक्शन से लूंगा और क्या कहते हैं कंजप्शन से लूंगा, तो पहले मैं कंजप्शन में आता हूं, और आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा यू मस्ट हैव स्टडी इंडिफरेंस कर्व और आइसोक्लाइन, वही जो हम पढ़े हैं वही लेवल कर्व या कंटूर लाइन है, ठीक है। तो कंजप्शन में आते हैं, तो कंजप्शन जो इकोनॉमिक्स को हमारे हैं जो यूटिलिटी फंक्शन जिसको कॉल किए हैं इंडिफरेंस कर्व, और वो इंडिफरेंस कर्व कोई दूसरा चीज नहीं वही लेवल कर्व है या कंटूर लाइन है, आप देख सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी व्हिच गिव्स कंज्यूमर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये दो वस्तुओं की वो कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे किसी भी कंज्यूमर को एक समान यूटिलिटी मिलता है, जैसा कि यहां एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है आईसी। अब यहां पर क्या है कि कंज्यूमर इस पॉइंट पर दो पॉइंट है ए और बी, तो इंडिफरेंस कर्व में कोई भी पॉइंट पर कंज्यूमर को एक समान यूटिलिटी मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब साफ है कि ए पॉइंट पर अगर कंज्यूमर अगर स्थिर है तो यहां पर ये y1 कमोडिटी x2 को y का कंज्यूम करेगा और कमोडिटी o x1 अमाउंट ऑफ कमोडिटी x को वो कंज्यूम करेगा। अगर b पर चला जाएगा तो ये होगा यहां x2 हो जाएगा, यहां x2 हो जाएगा, यहां y2। अब ये कोई भी कॉम्बिनेशन, अगर सी भी कॉम्बिनेशन लेता है यहां पर भी आ जाता है सी कॉम्बिनेशन में भी, तो यहां पर ये अमाउंट वो एक्स और वाई का मिला के कंजम्पशन करेगा,
तो कोई भी जो पॉइंट जो कॉम्बिनेशन ए में जितना यूटिलिटी मिल रहा है उतना ही यूटिलिटी पॉइंट बी पर भी मिलेगा, उतना ही यूटिलिटी पॉइंट सी पर भी मिलेगा, और वो यहाँ बराबर है फिक्स लेवल ऑफ यूटिलिटी जिसको कांस्टेंट यूटिलिटी कहते हैं। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन अगर कंज्यूमर चूज करेगा उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये जो लेवल कर्व में आया कंज्यूमर क्या कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, ये एक लेवल कर्व का एग्जाम्पल है इकोनॉमिक्स में कि किसी भी पॉइंट पर वो कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक्स वाई विच इज द फिक्स सी, ठीक है, ये सी के बराबर है, कॉन्स्टेंट के बराबर है, ठीक है, तो ये हो गया। प्रोडक्शन में भी सिमिलरली वी कैन प्रूव इट। प्रोडक्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व या आइसो पॉइंट कहते हैं उसका भी फिगर इसी तरह कुछ होता है। प्रोडक्शन में क्या इसी तरह कुछ फिगर होता है, ये रह गया क्यू वन। अब यहां पर दो दो इनपुट को मैं सिंप्लिसिटी के लिए ले रहा हूं, तो यहां एल और वर्टिकल एक्सिस पर कैपिटल बोलिए है। अब किसी भी पॉइंट पर प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन करेगा उसको इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। इस अमाउंट यहां पर करेगा मान के चलो तो K1 L1, B पर करेगा तो L2, K2, C पर करेगा तो L3, K3। किस ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी पॉइंट इस आइसो पॉइंट पर प्रोड्यूसर को इक्वल अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करेगा कोई भी लेबर। और ये क्या होता है आइसो पॉइंट, उसी तरह होता है जिस तरह कंज्यूमर थ्योरी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में या कंजप्शन में जो इंडिफरेंस कर्व होता है वही प्रोडक्शन में उसी चीज को, यहाँ पर दो इनपुट को यूज करेगा लेबर एंड कैपिटल, यहाँ पर मतलब आइसो पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट लेबर एंड कैपिटल से कह सकते हैं विच गिव्स आवर प्रोड्यूसर इक्वल अमाउंट ऑफ आउटपुट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी पॉइंट कॉम्बिनेशन को चूज करेगा तो यहाँ सी हो गया क्यूब इक्वल टू सी, और उसी तरह जेड विच इज द फंक्शन ऑफ एल एंड के, ठीक है, लेवल कर्व समझो यहाँ पर इक्वल टू सी, समझ में आ गया, यही लेवल कर्व है। तो लेवल कर्व को आप इस तरह कह सकते हो, वन सेकेंड वी कैन डिफाइन इट, ठीक है। इट इज द सेट ऑफ ऑल पेयर ऑफ लेबर एंड कैपिटल सच दैट जेड इक्वल टू सी इज द कॉल्ड लेवल कर्व ऑफ जेड फॉर अ कॉन्स्टेंट वैल्यू सी। यही है लेवल कर्व जिसको कंट्रोल लाइन भी कहते हैं। तो आई होप यू मस्ट हैव गॉट द कंसेप्ट आई डिस्कस इन दिस वीडियो एंड you enjoy this video. Thanks for watching my video till end. Jai Hind.